पर स्टेबलाइजेशन ऑन करके सीधा आ उतरी है। तो भाई लोग स्वागत है आप सभी का सतरंगा पे, और बताएगा अविनाश एक्सपीरियंस। और हेलो विनोद, पहले आप बता भाई, थक गया हूँ। तो भाई लोग यहाँ पहुँचते हमारे सभी भाई लोग थक गए हैं। अपने जो एक्सपीरियंस बताएगा, बताओ यार कैसा एक्सपीरियंस रहा पहुँचने में। यहाँ पहुँचने में एडवांटेज भरा रास्ता है, लेकिन आने के बाद लेकिन जब आओगे यहाँ तो मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। ऐसा नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता है, और एक बार जरूर आए यहाँ, देखें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ठीक है, फिर जय जवाहर सुंदरी हो। मैं हूँ दीपक, और मैं आज आ गया हूँ सतरंगा, जो कि बुक्का का ही एक पार्ट है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे आप सतरंगा जरूर घूमने के लिए आइए। ये बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है, और ये कोरबा में है स्थित। तो दोस्तों यहाँ घूमने के लिए आप जरूर जाइए, और जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैं वहाँ पर जाऊँगा, और वहाँ से आपको वहाँ का खूबसूरत व्यू दिखाऊँगा। और अपने पीछे साइड पहाड़ी का एक्सपीरियंस देख सकते हैं भाई लोग। दोस्तों आज सभी को लेके जाने वाला हूँ मैं कोरबा, और कोरबा के सबसे सुंदर पिकनिक स्पॉट जिसे लोग कहते हैं सतरंगा। सतरंगा एक बुक्का का ही एक भाग है, और यह पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। दोस्तों यहाँ आप लोग भी आइए। यह अंबिकापुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है, और कोरबा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों यह पिकनिक के लिए सबसे बेस्ट जगह है, आप भी आइए यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यदि चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में, और मैं दिखाऊँगा सतरंगा का बेहतरीन व्यू। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और दिखाते हैं बेहतरीन नज़ारा। तो भाई लोग कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा, अपना कार यहीं पे पार्किंग कर दिए, और सतरंगा का व्यू देखते हैं। अविनाश इधर देखो, सतरंगा आके क्या एक्सपीरियंस हुआ? सतरंगा आके यहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ देखने को मिला, जो बहुत पत्थरों से बना है। और पीछे देख सकते हैं पहाड़, और बहुत ही बेहतरीन जगह है। हाँ, आप तो देख ही रहे हैं पीछे का नज़ारा, कितना बेहतरीन है। तो यहाँ भाई लोग वाटर स्पोर्ट के लिए भी आ सकते हैं, यहाँ बोटिंग और बोर्डिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है सतरंगा। और कौन सा पार्ट है ये? बुक्का का ही पार्ट है। ये बुक्का का ही पार्ट है, इसमें जैसे कि जुड़ा आपका गोल्डन आइलैंड और बुक्का डैम और भी होंगे, फिलहाल तो इतने ही पता है। और देखिए तो भाई साहब देख सकते हैं आप अविनाश को, सतरंगा में हैं अभी हम लोग। कैसे अविनाश? और बहुत ही अच्छा फील लग रहा है, बाकी कोरबा में हम बहुत ही परेशान थे, यहाँ आके थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, बहुत आनंद लगा है। बहुत आनंद आया, और बाकी बस इतना ही कहना चाहेंगे। हाँ, उधर आप जरूर आए। तो अपना एक्सपीरियंस सर, आप यहाँ जरूर आए, बहुत अच्छा है। हाँ, चारों तरफ पहाड़ पानी, मन को आनंद कर देने वाला दृश्य, ऊँचे ऊँचे पहाड़। दोस्तों देख सकते हैं ऊँचे 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 पहाड़ हैं यहाँ पे। यहाँ पर्यटन स्थल के लिए, टूरिस्ट लोगों के लिए यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है सतरंगा पे, सभी अवेलेबल है। हाँ, आप बोटिंग कर सकते हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं।
पार्किंग और गाड़ी पार्किंग कर दी है। चलो भाई लोग अब चलते हैं नीचे, नहाते हैं। आबे आजा आजा आजा, इसको देखते हैं, राहुल को देखो देखो, आजा। तो सतरंगा में स्वागत है आप लोगों का। भाई लोग देख सकते हैं वीडियो में, तो भाई लोग देख सकते हैं राहुल नहा रहा है उधर, देखिए। और ये देखिए यहाँ पे आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, राहुल उधर नहा रहा है और हम लोग भी नहाएंगे सतरंगा में। अरे केतु, ये जो केतु नहा रहा है कतला, अपने प्रजाति बड़े प्रजाति लोगों को बुला रहा है। ये देखिए क्रिकेट फ्रैंक दी, नहीं भैया।